It's time for wrestling, and it's time for 74-kilogram international men's bout. He is from Cuba, but he's representing Haryana Hammers. Please welcome Livan Lopez. Dabar Chyawanprash, Pro Wrestling, powered by Thumbs Up. Here's this wrestler from India, but he's representing Revanta's Mumbai Garuda. Please welcome Mr. Pradeep Kumar. तो आज की ये तीसरी बाउट और एक-एक में बराबर है अभी स्कोर लाइन पर उनके लिए एक बड़ा मुकाबला और इस मैच के रेफरी अशोक कुमार जिनका चुनाव हुआ है ओलंपिक्स में भी बतौर एक रेफरी उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अजय मेहरा और मेरे साथ एक कमेंटेटर बॉक्स में मनोज जोशी और रमन भरोड़ आप दोनों का स्वागत है लिवान लोपेज की वेट कैटेगरी जो है ये पिछली बार हरियाणा हैमर्स ने स्ट्रेटेजिकली ब्लॉक करी थी ताकि इस मुकाबले के लिए ये अवेलेबल हो क्योंकि ये एक मस्ट विन है और एक डेफिनेट विन है क्योंकि एक तरफ ऐसा प्रतिद्वंदी है जिसने एक भी मुकाबला जीता नहीं है पीडब्ल्यूएल में निश्चित तौर पर रेवांता मुंबई गरुड़ इस समय विजय रथ पर सवार और यहां देखना होगा कि हरियाणा उनको कितनी चुनौती दे पाते हैं और दे भी पाते हैं अथवा नहीं लेकिन फिलहाल मुकाबला बराबरी का और प्रदीप का जहां तक सवाल है नेशनल चैंपियन है लेकिन चारों मुकाबले हारे हैं निश्चित तौर पर उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर नो फिंगर पर फिलहाल रेफरी अशोक कुमार को कहते हो कि उंगली वो पकड़ रहे थे तो कहना कहे वहां पे एक चेतावनी देते हुए प्रदीप को ये आप नहीं कर सकते हैं थोड़ा मानसिक तौर पे दबाव रहेगा रमन क्योंकि आप चारों ही जो बाउट है आपने खेली है अभी तक वो अब हार चुके हैं तो कहना कहे अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखिए जो टीम है वो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही है अव्वल पे है बिल्कुल चोटी पे टीम पहुंची हुई है पर उनका जो प्रदर्शन है इतना बढ़िया नहीं और सामना एक ऐसे प्रतिद्वंदी से है जो ऐसे देश से आते हैं जहां से बॉक्सर्स जाने जाते हैं क्यूबा से हैं लिवान लोपेज और 33 वर्षीय ऐसा नहीं कह सकते कि एक यंग गन है एक अनुभवी प्रतिभा लेकिन एक सच ये भी है कि क्यूबा भी कुश्ती के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहा है यहां तक कि सुशील को भी एक पहलवान ने 2003 के वर्ल्ड कप में जो हराया था वो क्यूबा का ही था तो जाहिर सी बात है कि क्यूबा के पहलवान अपनी बेशक वो दुनिया में मुक्केबाजों जैसी हैसियत ना रखते हो लेकिन कुश्ती में उनकी मौजूदगी जरूर रहती है जी मौजूदगी है और कहीं ना कहीं लिवान लोपेज वही दिखाते हुए मुझे एक मुकाबला याद है रमन जो अभी वो हारे थे नरसिंह से और लगभग 10 सेकंड में वो मुकाबला हार के थे यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई में पड़ती जी हाँ मुश्किलें बढ़ती हुई चार रन मिल चुके हैं यहाँ पे लिवान लोपेज को साइड से निकले थे और फ्रंट साल्टो की पोजीशन बनाई थी खूबसूरती के साथ और इस बार भारंदाज लगाना चाहते थे लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि बहुत अच्छा डिफेंस करने में कामयाब हुए प्रदीप ये अजगर जैसी पकड़ है ये ऐसी पकड़ है जहां से छुड़वाना बहुत कठिन क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन से गिराया था इस वजह से चार अंक मिले और एक बड़ा पैंतरा अपनाते हुए लिवान लोपेज ज्यादा समय नहीं है अब इस पहले राउंड में समय निकलता हुआ जो करना है जल्दी करना होगा प्रदीप को आक्रामकता दिखानी होगी और जब भी स्टैंडिंग पोजीशन में आप ढाक लगाएं धोबी लगाएं निकाल करें कला जंग करें तो उस पोजीशन पर आप जो गिराते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर चार अंक मिलते हैं और उसमें फोर्स होता है प्रहारक क्षमता होती है और यहाँ फ्रंट साल्टो की पोजीशन पे उन्होंने अंक बटोरे थे आर्म कंट्रोल जो टैक्टिक्स है उसका अच्छा प्रयोग करते हुए हालांकि दोनों ही रेसलर्स की आप बात करें पर कुछ अलग करना होगा यहाँ पे समय नहीं है पहला राउंड लगभग समाप्ति की तरफ आता हुआ बढ़त मिल चुकी है लिवान लोपेज को एक अच्छी बढ़त पहले राउंड में और प्रदीप की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है कि तकनीक लगाते हैं उसे बीच में छोड़ देते हैं उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते तो दूसरे राउंड का आगाज होता हुआ लिवान लोपेज को एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है पहले राउंड के बाद अब कुछ अलग करना होगा प्रदीप को
थोड़ी देर पहले आप रेफरी की बात कर रहे थे अशोक कुमार की, वारंट ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में, और आप बात कर रहे थे कि ओलंपिक्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, जहां सिलेक्ट हुए एकमात्र ऐसे भारतीय ऑफिशियल हैं रेसलिंग के जो बतौर रेफरी शॉर्टलिस्ट हुए रियो ओलंपिक्स के लिए, और एशिया में कुल 9 ऐसे रेफरीज हैं, भारत से केवल एक। यार ये खबर कल आई थी और खुद भी अशोक कुमार बहुत खुश थे, और एक बढ़िया मौका उनके लिए फिलहाल यहाँ पे, बढ़िया मौका लिवान लोपेज के लिए क्योंकि जो सिंगल लेग टैकल है उसका प्रयोग करते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस का परिचय देते हुए इस खतरे को टाला प्रदीप ने, ना सिर्फ टाला बल्कि दूर धकेला, और अगले आक्रमण की तैयारी बाएं हाथ से ग्रिप उन्होंने बनाई। एक जो ताकत है मनोज, अगर लिवान लोपेज की बात करें, उनका अटैक उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका प्रयोग करते हुए, और पहले पावर गेम का परिचय दिया था लेकिन अपने ही दांव में उलझे थे, और पीछे आए खूबसूरती के साथ लिवान लोपेज, और मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बनाते हुए 8-0 की बढ़त बनाने में कामयाब। एक बार फिर याद रखिए स्टैंडिंग पोजीशन से फिर गिराया था, और 4 अंक और, क्या जबरदस्त, देखिए चैलेंज आता हुआ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लू कॉर्नर यानी कि मुंबई गरुड़ का कॉर्नर चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, वो ज्यादा खुश नहीं है और यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, चैलेंज किया है, पर देख रहा होगा जूरी का क्या फैसला है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अनुच्छेद 55 के मुताबिक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और एक बार यदि निर्णय ले लिया जाए तो उसके बाद कोई भी प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर जो 3 सदस्यों की जूरी होती है वही अंतिम फैसला करती है। रॉन्ग डाउन समय भी मंत्रणा करती हुई ऑफिशियल्स के साथ, याद रखिए इस मुकाबले के लिए वो मैच चेयरपर्सन है। ये था दाव, पहले कैंची लगाई थी उन्होंने, कैंची दाव कहा जाता है उसको, और उसके बाद जिस तरीके से गिराया और उसके बाद वो पीछे आए, गिराने पर ही 4 अंक मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपत्ति ये थी कि उसमें वो प्रहारक क्षमता नहीं थी जो 4 अंक जिस पर दिए जाते। हालांकि अशोक कुमार ने यहाँ पे 4 अंक दिए थे, और ये दूसरी बार हुआ था जो लिवान लोपेज को 4 अंक दिए गए, और बतौर पेनल्टी 1 अंक और वो जुड़ना चाहिए अभी, और याद रखिए अगर 10 अंकों का फासला हो जाएगा ये मुकाबला समाप्त, कहीं ना कहीं अकड़ है यहाँ पे लिवान लोपेज के पास 9-0 से आगे, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इस आपत्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और आपत्ति खारिज होने का 1 अंक और मिला, और अब फासला महज 1 अंक का, तकनीकी फॉल का खतरा, गहरी पट किया खूबसूरती के साथ लिवान लोपेज ने, अब देखना है इसको बाहर गिराते हैं या मैट के अंदर ही गिराकर प्लेइंग जोन में गिराकर 2 अंक बटोरते हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रदीप का जो आत्मविश्वास है, जो मनोबल है वो टूटा हुआ है, याद रखिए कि प्रवीण से भी हारे, नरसिंह से भी हारे, यहां भी कठिनाई में नजर आते हुए, मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई, और अब दोनों घुटने मैट पर लगाने की जद्दोजहद, और जैसे ही मैट पर अभी एक और ये दूसरा घुटना लगा, रेफरी का इशारा, मुकाबले को रुकवाया गया, और तकनीकी फॉल के आधार पर विजयी रहे लोपेज, और याद रखिए एक भी अंक उन्होंने कंसीड नहीं किया है, तो पूरी तरह से दबदबा बना के रखा, अपनी पकड़ बनाई, और यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला जीते हुए हरियाणा हैमर्स के लिए लिवान लोपेज। प्रदीप भी अपना जो पिछला स्टैटिस्टिक है वो बरकरार रखते हुए, जो मुकाबला खेला वो मुकाबला हारे, निराश होंगे अपने आप से, लेकिन हरियाणा हैमर्स वो बड़े खुश, लिवान लोपेज एज़क्यू एक और जीत दर्ज करते हुए। मेरे साथ हैं गोल्डी भेल, आपको क्या लगता है कि ये जो बाउट था बहुत आसान था क्योंकि प्रदीप कोई भी बाउट नहीं जीते थे आज तक? लिवान के लिए हर बाउट आसान होने वाला है, ही इज वन ऑफ आवर स्टार प्लेयर्स एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, कांग्रेचुलेशंस। एक और बात बताइए, योगेश्वर दत्त नहीं खेल रहे हैं आज, क्या आपको ऐसा लगता है कि कल परसों सेमीज में भी नहीं खेल पाएंगे, शायद फाइनल्स में, डर लग रहा है? योगेश्वर हमारे आइकॉन प्लेयर है और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और अभी रिव्यू करेंगे सिचुएशन क्या है, वी आर होपफुल कि नेक्स्ट मैच तक फिट हो जाए फिर से वो। एंड व्हाट अबाउट गीतिका झाकर, आर यू वेरी हैप्पी अबाउट हर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक्सटैटिक विद हर, she has won her first 2 bouts and in the second game in fact she was the game changer, so we are very happy with Gitika also and I'm sure she's going to win today also. What are your strengths of your team? Well, the biggest strength in our team is that we play as a unit, we play as one team and sab log ikkatta khelte hain, aur yahi hamari strength hai aur yahi hamari team owners ki bhi strength yahi hai, hum sab classmates hain to hum sab milke aaye hain ye team banane ke liye. I'm just going to quickly ask something to Livan. How has India been for you?
Very good, very good. Are you happy? Enjoying? I'm happy, very happy.